इन दिनों बिहार सरकार तमाम तरह की स्कीम्स लेकर आ रही है, तो कई स्कीम्स पर काम भी किया गया। बता दें कि कुछ टाइम पहले ही नीतीश सरकार ने बिहार में शराब बंदी कर दी थी, जिसके बाद कई लोगों को थोड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनका साथ दिया। बता दें कि खबरों से पता चला है कि शराब बंदी से बिहार के लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है। एक रिपोर्ट की माने तो बिहार में शराब बंदी के बाद महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में कमी आई, तो साथ ही साथ लोगों का स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी बढ़ा। बता दें कि बच्चों के साथ हो रही हिंसा में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं खबरों की माने तो जेंडर रिसोर्स सेंटर की एक रिपोर्ट से पता चला है कि शराबबंदी के बाद शराब पर खर्च होने वाले धन का उपयोग खाने और अच्छे कपड़ों पर किया जा रहा है और साथ ही साथ पढ़ाई पर किया जा रहा है, और लोगों का जीवन स्तर भी काफी तेजी से बदल रहा है। और कई जगह से मिली रिपोर्ट के अनुसार शादियों और त्योहारों में होने वाले हंगामों में भी खासा गिरावट आई है, जिससे ये तो साफ है कि नीतीश सरकार का शराबबंदी कहीं ना कहीं बिहार के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट।